फल प्राप्त किया, जिससे महान फल प्राप्त कर सकता था उसके जगह द्वारा प्राप्त किया। इसलिए अब देखिए इसके ऊपर भाष्य प्रकार मैंने पढ़ लिया था, है ना। तो टीका में देखी कि प्राग अवस्थायाम, चौथा लाइन पे लेफ्ट हैंड से, प्राग अवस्थायाम सर्वम इदम अजम अवच, उत्पत्ति से पहले सारा सृष्टि जन्म रही था मैं भी, तथा इति उपासक जत मन इस प्रकार उपासक मानते अतश्च प्राग अवस्था ब्रह्म विषय भविष्य। ये जो प्राग अवस्था में ब्रह्म जैसा था उस प्रकार विषय भी बाद में आगे हमें भविष्य अजंत श्रुति, ये अजंत श्रुति का ये अभिप्राय है। हम बोलते हैं श्रुति तो कहते हैं अजोनित शाश्वत अजंत श्रुति, ऐसे उत्पत्ति से पहले अज है और मुक्ति के बाद भी अज हो जाएगा, परंतु जो है बीच में जो है ज हो गया कि ब्रह्म में काल परिचिन्न हो जाए। अच्छा कथम करें तीन वक्षमान उक्त वक्षमान विरोधिता उपासक निंदा प्रकृत उपयोग यदि है। आप तो प्रतिज्ञा किया कि अद्वैत को युक्तिपूर्वक सत्य ही सिद्ध करके आप उपासक निंदा क्यों करने लगे। तब क्या बोला था वहाँ पर, इस प्रकार कि शल्य के द्वारा पांडव की विजय कामना करने वाले व्यक्ति शल्य को क्या किया, इस कर्ण का निंदा करते हैं, इसी प्रकार से अद्वैत की विजय कामना करते हुए द्वैत बुद्धि का निंदा सिद्धि की गई, तो उसी को यहाँ पे कहा जा रहा है। वही अभिप्राय से होता है उक्त वक्षमान विरोधिता उपासक निंदा प्रकृति उपयोगी, जो प्रकृति उपयोगी मतलब जिस सिद्धांत को हम सिद्ध करना चाहते हैं मतलब अद्वैत पारमार्थिक सत्य हो तो उसका उपयोगी है, इसलिए ऐसा क्यों। कथम तरी तत्र तत्र अजत्तम आत्मन दर्शयति दर्शयन्ति श्रुति, श्रुति जो यहाँ पे अजनित शस्यत्वयं प्रणतः न जायते मृत, इस प्रकार की जन्म रहित श्रुति दिखाते हैं, उस श्रुतियों की क्या गति होगी। तो कथम तरी तत्र तत्र अलग अलग स्थान पर श्रुतियों में क्या किया, अजत्तम आत्मन, आत्मा ने क्या दिखाया, अजत्य दिखा, जन्म रहित दिखाया, ये दर्शयन्ति श्रुति, इस श्रुति के पार्टिसिपल है, दिखलाती हुई श्रुति, श्रुति की विशेषण है, श्रुति स्त्रीलिंग है, दिखलाती हुई दिखलाती है श्रुति ना, ये दर्शयन्ति जो रहता है दर्श निष्ठा को पश्य आदेश हो जाता है, लड़का पश्यन्ति होना चाहिए था, है ना। यहाँ पे जो पार्टिसिपल है दिख वो भी कौशल पार्टिसिपल है, मतलब दिखलाती हुई, दिखाती हुई नहीं दिखलाती हुई, स्त्रीलिंग है, स्तुति श्रुति स्त्रीलिंग है, इसलिए देखते हुए और दिखलाते हुए, अपने आप देखते हैं और हमको दिखाते हैं, देखना और दिखलाना बीच में दिखाई देगा, दिखलाती हुई श्रुति उसका उसको आप कैसे घटा पाओगे। तो अगर प्रथम तारी तत्र तत्र अजत्तम आत्मन दर्शयन्ति श्रुति, उस स्थान में आत्मा की जन्म रहित तो दिखलाने वाली श्रुति वो कैसे घट सकती है, वो कैसे घट जाएगी, प्रथम घटिष्य तत्र उसके उत्तर में क्या कहते हैं, उसको पूर्ववादी कहते हैं, हमारे हमारा ये सिद्धांत है, क्या सिद्धांत है, पांच नंबर टिप्पणी श्रुति न जायते इत्यादि, न जायते मृियते कठोर पुरुषों का श्रुति इत्यादि। अच्छा फिर यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे सिद्धांत का अनुसार क्या हो गया कि यहाँ पे प्रतीक देखिए प्राग उत्पत्ति अजम इदम सर्वम अहम च, उत्पत्ति से पहले तो ये अज है मैं भी जन्म रही हूँ, और फिर उत्पत्ति होने के बाद उपासना करके फिर हम जन्म रहित अवस्था में चले जाएंगे, इस श्रुति के ये अर्थ है, ये प्रवृत्ति का अनुसार ना चाहे दे मृत का अर्थ ये है, उत्पत्ति से पहले जन्म रहित है, फिर उससे उत्पत्ति हुई और फिर जो उपासना करके मैं जन्म रहित अवस्था में पहुंच जाऊंगा, उस श्रुति के ये अर्थ है, उपासना से मुक्ति मानते हुए। ये बोलते यहाँ पे कि प्रथम तरी तत्र तत्र अजत्तम आत्मन दर्शयन्ति श्रुति घटिष्यति, कैसे है तो जो प्राग उत्पत्ति अजम इदम सर्वम अहम च, जो भी दिखाई दे रहा है ये सब जन्म रहित है और मैं भी था, ठीक है। अभी आप क्या करोगे, कार्य स्थिति अवस्थायां प्राग सॉरी यहाँ पे प्राग अवस्थायां सर्वम इदम अजम अहम च तथा, ये उत्पत्ति से पहले अथवा सृष्टि से पहले ये समस्त जगत जन्म रहित था और मैं भी वैसे ही था, प्राग अवस्थायां सर्वम इदम अजम अहम च तथा इति उपासको यतो मन्यते, उपासना करने वालों ऐसा मानते हैं, इस प्रकार से उपासना करने वाले मानते हैं, अतश्च प्राग अवस्थ ब्रह्म विषय भविष्य, इसलिए जो ये सब श्रुति प्राग ब्रह्म की प्राग अवस्था को लेकर के कहा गया है ऐसा मानते हैं।
इसलिए बोलते हैं अतश्च प्राग अवस्थ ब्रह्म विषया भविष्यति अजप्त श्रुति। अजप्त श्रुति प्राग अवस्था को लेकर के बोलते हैं, वर्तमान अवस्था को लेकर नहीं बोलते, भविष्य अवस्था को लेकर बोलते हैं, वर्तमान को लेकर नहीं बोलते। ऐसा उनकी मान्यता है जो उपासना से उनकी मानना चाहिए। प्राग अवस्थाया सर्वमिदम अजम अहम च तथा क्योंकि उपासक को जब मान्यते क्योंकि उस उपासक लोग ऐसा मानते हैं अतश्च प्राग अवस्थ ब्रह्म विशेष लिए वो प्राग ब्रह्म की प्राग अवस्था को लेकर के ये श्रुति घट जाएगी। कौन सा श्रुति? अजप्त श्रुति घट जाएगी। ये अंतेश करते हैं कार्य स्थिति अवस्थायाम यदि ब्रह्म तन मात्र इष्टम तरी किम उपासनाया प्राप्तव्यमिति आशंका हो। अच्छा, कार्य स्थिति अवस्था में यदि ब्रह्म ऐसे ही है तो उपासना करके क्या करोगे तुम? बोलते नहीं नहीं, मैं अभी तो जन्म वाला हो गया और उपासना करके फिर मैं जन्म रहित हो जाऊंगा। उत्तर देंगे कार्य स्थिति अवस्थाया कार्य जिस अवस्था कार्य अवस्था में कार्य जिस समय विद्यमान है उस अवस्था में यदि ब्रह्म तन्मात्र इष्टम, ब्रह्म तन्मात्र मतलब कार्य मात्र इष्टम, ब्रह्म छह नंबर टिप्पणी ब्रह्म तन्मात्र कार्य मात्र इष्टम तरी की उपासना है जो यदि ब्रह्म कार्य रूपी है उपासना से तुम क्या कर लोगे? किम प्राप्तव्य आशंका आह तब आगे यदात्मा को अहम प्राग उत्पत्य मैं उत्पत्ति से पहले जिस स्वरूप वाला था इदानीम जातो परंतु अभी मैं उसका स्वरूप से बदल गया, अभी मैं जन्म वाला हो गया। जाते ब्रह्म नीच वर्तमान अब आप जो पैदा होने वाला ब्रह्म में विद्यमान हूँ मैं। उपासना या उपासना के द्वारा पुनर्तदेव प्रतिपद से उपासना के द्वारा फिर उसी भाग को मैं प्राप्त कर जाऊँगा प्रतिपद से है ना बंधन से प्राप्त कर जाऊँगा उपासना पुनर्तदेव प्रतिपद से एक उपासना स्थित धर्म साधक उपासना को आश्रय करके मुक्त होना चाहता है। इस पर धर्म शब्द का अर्थ क्या कर दिया? साधक उपासना धर्म रूपी धर्म को आश्रय करके उपासना रूपी साधन को आश्रय करके जो साधक जो स्वस्थ में मुक्त हो जाए हम लोग इसीलिए ये ना एवं क्षुद्र ब्रह्म में इसके कारण से इसको क्या कहा जाता है? अल्प ब्रह्म ब्रह्म की पारमार्थिक अवस्था में तेन असौ मत इस कारण से तेन कारण ना असौ साधक कृपन दीन अल्पक स्मित वो कृपन है वो दीन है मतलब अनिशया शोचते मुह्यमान पारमार्थिक विशेष कार्य नाशील वाला हो गया मतलब निरुपाधिक स्वरूप के तुलना में कार्य भी तो घट गया ही यद्यपि सामान्य व्यक्ति की तुलना ब्रह्म लोग बहुत उपयोगी है परंतु ये इसीलिए हमेशा करना कई बार बोला देखो हम जगत मिथ्या बोलते हैं मिथ्या बोलते हैं किसके सापेक्ष में हाँ आत्मा की पारमार्थिक सत्य के साथ तो जगत मिथ्या है सापेक्षिक मिथ्या जिस जहाँ जहाँ भी उपनिषदों में इस कार्य ब्रह्म लोग की निंदा की गई है उसको सुस्तुत करके बोलना यही जो अद्वैत पारमार्थिक सूत्र संभुज अपवाद संभुज बिना सुंदर निश्चित कर दिया ना अंधम तम प्रविशन्ति जो अविद्या उपासते तो भूयैव तम जय विद्या उसी वहाँ पे जो अंधम तम प्रविशन्ति जो असंभूति उपासते तो भूयैव तम जो संभूत अभिनव संभूत असंभूत के लिए उसके प्रबंधन करेंगे इसमें बोलते हैं कि हमें बोलते हैं यदात्मा को हम प्रागुत्पत्य इदानीम जातो जाति ब्रह्मणि च वर्तमानो उपासनाय पुनः तदेव प्रतिपत्से इति एवं उपासना स्थित इति इस प्रकार से उपासना को आश्रय करके मुक्त होना चाहते हैं जो साधक ये न किंतु यही उसके लिए इस साधक इस प्रकार आश्रय करे एवं इस प्रकार से क्षुद्र ब्रह्मणि को हम क्षुद्र ब्रह्मणि मतलब काल परिच्छिन्न ब्रह्मणि मतलब ब्रह्म काल के तरह परिच्छिन्न ऐसे तेने अवश्य इस कारण से जो किसी के द्वारा परिच्छिन्नता नहीं है इस प्रकार के व्यापक तत्व वही मेरा स्वरूप है कारण वो नहीं समझ पाया उसको इसी कारण से असुर कारण है इसी कारण से तेन कारण है ना असुर साधक कृपण दीन अल्प स्मित वो कृपण है वो दीन है वो अल्प देते हैं उस प्रकार से स्मरण करते हैं कौन नित्य अजो ब्रह्म दर्शी वेद ये ध्यान सभी व्यक्ति उसका नहीं सब व्यक्ति सामान्य व्यक्ति तो उसको अच्छा मानेंगे उपासना करके ब्रह्म उत्पन्न जो नित्य व्यापक स्वरूप को समझ गए वो लोग अरे देखो थोड़ा सा और चलता तो क्या जगह पे पहुंच जाता है ये मुश्किल स्थिति
जो ऊपर पहुंचा हुआ है, अब मान लो समिट के थोड़ा नीचे आ करके कोई व्यक्ति वापस जा रहा है, मैं नहीं जा सकता, तो ऊपर पहुंचा हुआ व्यक्ति क्या होगा, अरे थोड़ा सा चलता तो देखो मन चलने बंद हो जाएगा, अभी हिम्मत नहीं होगा, इसीलिए बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए लोग बोलते हैं ऐसे इतनी अभिप्राय कर ही करते हैं। अच्छा, तो टीका में आ जाइए फिर, इदानी उत्पत्ति अवस्थाया बने ना जल जल आत्मा को अहम प्रागुत्पत्ति फिर इदानी जात उसको उत्पत्ति का अर्थ कर देंगे, इदानी मतलब कह जाएगा उत्पत्ति अवस्थायाम जात मतलब जाते ब्रह्मणि पैदा हुआ जो उसमें स्थिति अवस्थाया वर्तमान स्थिति अवस्था ने माने जाते ब्रह्म मतलब विकारी ब्रह्म में मैं विद्यमान हूँ, मतलब ब्रह्मों के एक बार विकारी एक बार अविकारी ऐसा मान्य है, इसलिए बोलते हैं जाते ब्रह्म ही स्थिति अवस्था में वर्तमान अहम प्राग उत्पत्ति जगात्म प्रसन्न आसम उत्पत्ति से पहले मैं जिस रूप में था प्राग उत्पत्ति जगात्म प्रसन्न आसम तदेव पुनः उसी को मैं दोबारा प्रलय अवस्था में उपासनाया उपासना के द्वारा प्रतिपद से मैं प्राप्त कर जाऊंगा। कैसे करोगे भाई, बोलते हैं तत्क्रतु नया तत्क्रतु नय है यथा क्रतु अश्विन लोग पुरुष बोलते तो प्रतिपथा होते किसी को तत्क्रतु नय बोलते हम जैसे चिंतन करेंगे विचार करेंगे संकल्प करेंगे तद अनुकूल आपके शरीर प्राप्त करेंगे, इसलिए बोलते हैं तत्क्रतु नया इति संबंध ऐसे यहाँ पे अन्वय करना पड़ेगा। देखो सात नंबर टिप्पणी बोल रहे हैं तत्क्रतु न्यायादिति अथ खलु क्रतुमयः पुरुष यथा क्रतुरस्मिन् लोके पुरुषो भवति तथा इदं प्रेत भवति स क्रतुं कुर्वीत इति छान्दोपश्रुति अथ खलु क्रतुमय पुरुष है, ये पुरुष जो होता है ना संकल्पमय होता है अध्यवसात्मक होता है जैसा निश्चय करते हैं ऐसा प्राप्त करते हैं यथा क्रतु अस्मिन् लोके पुरुषो भवति इस लोक में इस शरीर में वो जैसा निश्चय वाला होता है तद अनुकूल साधन करता है तथा इतः प्रेत्त भवति इस शरीर को छूटने के बाद उस भाव को प्राप्त कर जाते हैं सब क्रतु पूर्वी तक, इसलिए इस प्रकार की अध्यवसा निश्चय करके उपासना करना चाहिए। ये सांडिल्य विद्या नहीं कार्य ब्रह्म उपासना है, श्रवण ब्रह्म उपासना है, छांद पशु क्रतु शब्द अर्थश्च इह अध्यावश यहाँ पे कतु शब्द क्या करते हैं कतु शब्द करते बड़े बड़े जाग भी होते हैं है ना, यहाँ पे उस अर्थ में प्रयोग नहीं किया गया, यहाँ पे कतु शब्द करते हैं निश्चय अध्यावश अर्थ में किया गया तथा च अस्मिन् लोके यत् क्रतु भवति इसका फल का हो गया मतलब इस पंक्ति का अर्थ ये हो गया इस लोक में मतलब इस शरीर में यत् क्रतु भवति जिस प्रकार संकल्प वाला होता है परलोके तदैव प्राप्त होती इस शरीर को छोड़ने के बाद वो उसी प्रकार की शरीर को प्राप्त करता है। श्रुति स्मृति प्रसिद्धे इस प्रकार से श्रुति में भी है स्मृति में भी है यम यम वाप स्मरण भाव तंत्र करे वरम तम तमे व्यक्ति कौन तो सदा तक भाव भाविता है ना, इसलिए श्रुति स्मृति भी है श्रुति स्मृति प्रसिद्ध रीति अर्थ लोके लोके शब्द का अर्थ क्या करेंगे शरीर है इस शरीर को लेते रहते हैं। जत क्रतु जत विषय को अध्यावसायवान है ना, जिस विषय को में उसका निश्चय रहता है जत क्रतु मतलब जिस विषय को लेकर वो निश्चय करता है वो अगला शरीर में तद अनुकूल कर्म करके प्राप्त करता है, इसको स्मृति क्या बोला यम यम वाप स्मरण भाव तदंतर के करो करना ऑनलाइन में तत्क्रतु नहीं है तत्क्रतु नहीं यही तत्क्रतु नहीं आप जैसा संकल्प करेंगे अगले शरीर में Every being is the architect of his own future. Every being is the architect of his own future. आप अभी क्या होंगे आप उसका architect आप स्वयं इसीलिए तो बचपन से छोटा बच्चे को जो आपको आप हाथ दिखाना भी सिखाते हैं उसी समय से उसका मन में भरते हैं क्या होगा बड़ा होगा घर वाले कहीं सिखाएगा डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे वो बचेगा कोई सिखाते हैं वो ये नहीं सिखाते कि साधु बनेगा पर उसका तो अलग मन है हम तो ये तो मन में पहले से बैठा था निश्चय करा देश कहीं जा रहा है ये तत्क्रतु नहीं हर जगह पर लागू होता है, इसलिए तत्क्रतु तत्क्रतु जत विषय को अध्यावसाय जिस प्रकार विषय के कथन संकल्प में जो दृढ़ प्रतिज्ञा में जो अविचलित जागृति सिद्धि हर प्रकार की सिद्धि उसी कर्तव्य है संकल्प में जो दृढ़ प्रतिज्ञा में जो अविचलित अविचलित संकल्प में जो दृढ़ प्रतिज्ञा में जो अविचलित अविचलित हर प्रकार की सिद्धि उसी कर्तव्य है
ऐसी कथा किसी ज्यादा पहले बात करते हैं स्वामी और स्वामी जी का छांद को सुनते बहुत हो गई था उनके विदेश लेक्चर का देखना अधिक का छांद को सुनने का था मैं जम जम भाग्य स्मरण भवि था सात नंबर की तत्कृत न्यायादि संबंध तलब काराणाम शाखायाम उपासस्य ब्रह्मत्व निषेध दर्शनाच उपासक निंदा युक्त इति आह। केवल इतना ही नहीं, क्या बोला कि आपने यहाँ पर तो क्या क्रतु ने ऐसे क्या देखा तुमने तो कार्य ब्रह्म तक संकल्प किया ऐसे कार्य ब्रह्म तक प्राप्त तो करोगे और इस कार्य ब्रह्म की उपासना को तलब का शाखा में निंदा किया गया है इसीलिए यहाँ पर उपासक को निंदा किया गया। बोलते हैं तलब काराणाम शाखायाम छांदोग्य उपनिषद तलब पर शाखा को अनुसरण करने वाले तलब शाखा को अनुसरण करने वाले लोग शाखा उपास्य जो उपास्य देवता है वहाँ पे ब्रह्मत्व का निषेध किया गया है। उपास्य ब्रह्मत्व निषेध दर्शनात् नैदम जदिदम उपासते पांच बार चेहरा बोला नैदम जदिदम उपासते नैदम से बोला उपास्य ब्रह्मत्व का वो पारमार्थिक ब्रह्म रूप नहीं है। मतलब तुमने जिसके बारे में पूछा के बारे में पूछा वो उपास्य ब्रह्म नहीं है वो ज्ञेय ब्रह्म है। इसलिए बोलते हैं शाखा उपास्य ब्रह्मत्व निषेध दर्शन च उपासक निंदा युक्त से उपासक निंदा करना युक्ति है कोई अपिय नहीं है। श्रुति विरुद्ध वदतो निंदा न निंदति। मतलब श्रुति ने ऐसा कहा, क्या कहा कि क्योंकि जो तुम इसको उपासना करो ये निंद और उसका विरोध ही तुम यदि इसको मानता है तो क्या होगा तो वो किस प्रकार ज्ञान समझने वाले को निंदा किया जाएगा। न निंदा निंदनीय निंदितुम उत्साहते अपितु विधेयस्य स्तुतुम एक न्याय बनाया। ये जो निंदा कुछ किया जाता है तो वो हम किसी को निंदा करने के लिए निंदा नहीं किया जाता, जिसको हम विधान करना चाहते हैं उसको स्तुति के लिए हम विधान करना चाहते हैं सबको समझाना चाहते हैं निर्गुण निराकार निर्विशेष का ज्ञान को प्राप्त करो तो जन्म मृत्यु के बंधन छूट जाओगे। इसीलिए वहाँ पे मतलब नैदम जदिदम उपासना करके उपासते करके ऐसा कहा गया है वो ब्रह्म की उपासना की निंदा नहीं किया गया परंतु वो जो है जिस निर्विशेष तत्व के बारे में तुमने पूछा उसकी स्तुति के लिए अर्थवादी लिंग होता है छह लिंग में उपकमशन अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद होता है इसलिए अर्थवाद लिंग अर्थवाद लिंग ठीक इसी प्रकार ईशावास्य परिषद में असुर्जा नाम लोकांधीन तमसा बेहतर एक अर्थवाद लिंग है क्योंकि इसका पहले जो बोल करके आया ईशावास्यदम सर्वम जगत्ताम जगत केंद्र कैप्टन इसको प्रतिपादन करने के लिए मतलब इसको पुष्ट करने के लिए ये निंदा निंदा अब तो कर्म की निंदा के लिए नहीं ज्ञान की स्तुति के लिए है। इसलिए अभी अर्थवाद एक लिंग होना चिन्ह होना यहाँ भी ऐसे ही समझना चाहिए। अच्छा फिर ये जो वाक्य आया हुआ जब वाचा अनुस्फुटितम येन वाक् अभ्युद्यते तदैव ब्रह्मत्वं विद्धि नैदं यदिदम् उपासते इस पंक्ति का अर्थ देखो टीकाकार लिख रहे हैं अनभ्युदितम मतलब अनभिप्रकाशितम मतलब जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते पूर्ण रूप से प्रकाशित नहीं कर सकते अभ्युद्यते अभिप्रकाश्यते मतलब वाणी के द्वारा जिसको प्रकाश नहीं किया जा सकता है परंतु जिसके रहने के कारण वाणी अपनी वक्तव्य वस्तु को प्रकाशित कर सकता है। अभ्युद्यते अभिप्रकाश्यते उपास्यते वाचा विषयी उद्गमती वाणी के द्वारा उसको जो है अपने अभिप्रकाश्यते उपास्यते वाचा विषयी उद्गमती वाणी के द्वारा उसको यहाँ पे जो है अनभ्युदित अर्थ लेंगे उसके साथ मिला करके न पूर्वबंदी और वाणी जिस पर रहने के कारण अपने विषय को अभिव्यक्त कर सकते हैं जिसके रहने के कारण आपने अभिव्यक्त वक्तव्य वस्तु को अभिव्यक्त कर सकते हैं वो ब्रह्म है तदैव ब्रह्मतम वृद्धि नैदम यदिदम उपासते। वहाँ पे भगवान भाष्य इत्यादि श्रुति श्रुते इत्यादि श्रुते तलब काराना तलब का शाखा में प्रकार श्रुति वाक्यों से प्रकार श्रुति होने से पंचमी अर्थ है वहाँ पे श्रुते पंचमी यहाँ पे जो आदि पद आया हुआ है तो टीकाकार बोलता है आदि शब्देन जनमनसानाम अनुते येन अहुर् मनोमतं तदेव ब्रह्मतं विद्धि नैनं जलिनं उपासते यत्प्राणेन प्राणोति येन प्राण प्रणीयते तदेव ब्रह्मतं विद्धि नैनं जलिनं उपासते। मन वहाँ पर बोला उस सबको ग्रहण करना अभ्यास को दिखा रहा है कि सूत्र प्रतिपादन करके दिखा है कि जो उपास्य ब्रह्म है सबसे ऊंचा नहीं है उसके पीछे भी एक आवर है
उपासना नहीं करो ये नहीं बोल रहे हैं, परंतु उपास्य ब्रह्म हायस नहीं है, इसके पीछे यहाँ तक ये कथन करने के बाद प्रतिज्ञा क्या किए थे कि मैं यहाँ तो आपका आपकीपना का समझाऊंगा, मतलब क्या कि अद्वैत पारमार्थिक है यहाँ उनको बुद्धिपूर्वक समझाएंगे, तो उसको समझाने के लिए द्वैत बुद्धि हमारे लिए हानिकारक है। अब जो आपने जो प्रतिज्ञा किया था उसी को आप यहाँ पे स्पष्ट करते हैं, अब प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु भी देंगे दृष्टांत भी देंगे। अगला देखिए भाष्यकार भक्ति का कार्य श्लोक की रूपरेखा दे रहे, भेद दर्शिनम उपासकम अद्वैत विरोधिनीम निंदित्वा संप्रति अद्वैत प्रतिज्ञा करोगी। ठीक है, क्या बोलता है, भेद दर्शिनम उपासकम, है ना, भेद देखने वाले उपासक को, है ना, भेद बुद्धि से उपासना करने वाले उपासक को वो क्या है, अद्वैत विरोधिनी है, अद्वैत का विरोध करता है, तभी तो भेद को मानता है, निंदित्वा उसको निंदा करके संप्रति आप क्या करना चाहते हैं, अद्वैत प्रतिज्ञा करती, जो भेद रहित स्थिति है उसको मैं समझाऊंगा, इसको प्रतिज्ञा करते हैं। कौन बोल पता चाहिए कार्य श्लोक में, अतो वक्षम्य कार्मण्य, अतो वक्षम्य कार्मण्य मजादि समतां गतम, मजादि समतां गतम यथा न जायते किंचित्, यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः, जायमानं समन्ततः अतो वक्षाम्य कार्मण्य मजाति समतांगतम, यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः। आपको तो देखो क्योंकि भेद दृष्टि का निंदा किया गया है, इसलिए अब मैं तुमको पारमार्थिक स्थिति क्या वो बताऊँ, अब तो वक्षामि अपार्पण कृपण स्मृत, इसलिए इसको कृपण कहा गया है, तो अब कृपणता क्या है वो मैं बताऊँगा, मतलब जन्म मृत्यु को देखना ये कृपणता है, और जन्म मृत्यु से रहित अपने स्वरूप को समझना ये अकृपण। अतो वक्षमी का पहले हो गया कृपण, और कृपण भाव हो गया कार्पण्य, क्षय प्रत्यय हो गया कृपणता की, कृपण शब्द तो पहले होते कृपण उसका तत्व ही हुआ कार्पण्य, क्षय प्रत्यय होता कार्य उसको वृद्धि हो गया तो कार हो गया, अब उसका हाँ फिर उसका निषेध अकार अकार्पण्य कृपणता की आपका निषेध कर दिया अकार्पण्य, अवक्षमिका और अवक्षमिका कर्म है वो क्या बताओगे, क्या बताऊंगा मैं, अकृपणता की है वो मैं बताऊँ, सिर्फ द्वितीय अकार्पण्य वक्षामी, इसलिए मैं अकृपणता की जो भाव वो क्या चीज है वो मैं कहूँगा, जैसे अजाति समतांगतम, ये अजाति चारों तरफ से जो निर्विशेषता की जो भाव, यही पारमार्थिक स्थिति है, यही जो है अजो रहित स्थिति है, जन्म रहित स्थिति है। जथा न जायते किंचित, आपको सामने रज्जु के ऊपर सर्पाधिक सर्प भूषित दंड माला जो भी दिखाई दे, परंतु वो दिखाई देने पर भी उसकी उत्पत्ति हुई नहीं, ये समझ ये बोलते हैं जथा न जायते किंचित जायमान समन्तत, चारों तरफ आपको समन्तत, चारों तरफ आपको नाम रूपात्मक जगत दिखाई देने पर भी आप निश्चय करो नाम रूप एक प्रतीति मात्र है, पारमार्थिक अधिष्ठान में कभी कभी का उत्पन्न हुआ ये अभिप्राय। यहाँ पे देखिए अकार्पण्यम के ऊपर एक टिप्पणी दिखाई पड़े, एक नंबर टिप्पणी है ना, कार्पण्यम भेद द्वैतम इति जागर, ये कह रहे कृपणता क्या है, ये भेद दृष्टि कृपणता है, और तत् अभाववत मतलब उसकी अभाव वाला अकार्पण्यम अद्वैत ब्रह्म इति जागर। ठीक है, अब दो नंबर आप वहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ वो लिख दीजिए हाथ से, दो नंबर समतान दर्शन के ऊपर दो नंबर टिप्पणी वहाँ पे दो नंबर लिख करके आप लिखिए कि समतान दत्तम निर्विशेषता प्राप्त मिति अर्थ है ना, और निर्विशेष भाव को प्राप्त करना ये हो गया आपकी मनता, अतो वक्षामि अकर्मण्यम जहाँ पे जन्म रहित एक निर्विशेष तत्व विद्यमान है, इस भाव को प्राप्त करने हो गया अकर्मण्यम। अब कब
आपको सामने दिखाई देगा क्या? जथान जायमानम समंत, तो चारों तरफ नाम रूप दिखाई देने पर भी, ये नाम रूप की प्रतीति मात्र है, रज्जु रूप सर्प दिखाई देने पर भी निश्चय हो जाएगा, मरुभूमि में आपको पानी दिखाई देने पर भी निश्चय रहेगा अभी पानी नहीं है बालू ही है। इसलिए बोलते हैं जायमान समंत न जायते कि जथा न जायते कि वो मैं आपका भी समझाऊँ। नहीं तो होगा ही नहीं, भार भ्रांति भ्रांति होने का शब्द वही नहीं है, अधिष्ठान नहीं होगा, अधिष्ठान तत्व को तो मानते ही है, मानते हो विकार रहित है, परिणाम रहित है, शुद्ध है हमेशा, यही अजात बात है। तो यहाँ पे ये बोलते अतो वक्षाम अकार्पण्यम अजातिम समतम ग्रंथि है, कार्पण्यम भेद द्वैतम इति जागतक अभाव उसका अभाव वाला अकार्पण्यम अद्वैतम ब्रह्म, इस मतलब भेद से रहित जो स्थिति है जो भेद भेद रहित है आपको करते हैं उसी भी आपको अकार्पण्यम शब्द के द्वारा कहा गया, क्योंकि वो निर्विशेष है समतम ग्रम चारों तरफ से निर्विशेष है, कोई विशेष दोष नहीं है। अच्छा ये जो यहाँ पे बोला भेद दर्शी ने उपसंहार देता जाति, अब जब तो अच्छा यहाँ पे जाति शब्द का दो अर्थ है, जाति मतलब क्या है कास्ट, जाति नहीं बोलते हम क्या करें, उसके बाद ये मनुष्यत्व जाति, एक तो ब्राह्मणत्व जाति, ब्राह्मण एक जाति, मनुष्यत्व जाति, पशुत्व जाति, जाति मतलब अनेकों में रहने वाले साधारण धर्म जाति बोलते हैं, यहाँ पे ऐसे ही बोल रहे हैं। और जाति जब बोल रहे हैं कि क्योंकि अनेकों में धर्म वाला एक धर्म नहीं है ऐसा कहने के तो ये बात नहीं, यहाँ पे जाति शब्द कहते हैं जन्म, जाति शब्द का क्या हो गया जन्म धातु, फोर्थ कंजुक्शन की धातु जन्म प्रादुर्भाव, जन प्रादुर्भाव धातु है, उससे तीन प्रत्यय करके लगा का लोग हो जाता है, तीन लगाते हैं जाति शब्द बनता है, यानी प्रादुर्भाव धातु जन धातु को क्या जाने जा आदेश हो जाता है जायते, वहाँ क्या जाने जा आदेश होता है जायते बनते हैं। यहाँ पे कोई शंका करके यहाँ पे जाति शब्द वगैरह ये कहना चाहते हैं कि कास्ट अथवा अनेकों में रहने वाला सामान्य धर्म जैसे नए प्रचलित मानते हैं, तो यहाँ उस अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है, अगर पहली साथ धर्म कर दी तो धर्म चले जाना, पहली साथ धर्म कर देना जाति जन्म तद रहितम अजाति जन्म से रहित उसको यहाँ पर अजाति शब्द वगैरह कहा गया, ठीक है। यहाँ पे ब्राह्मणत्व क्षत्रिय मनुष्य को वो जाति को लेकर के नहीं करा, जाति जन्म यहाँ जाने जा आदेश होता है वहाँ पे तीन प्रत्यय करते हैं, तीन प्रत्यय करके जाति शब्द बनते हैं, उसके लिए तत्र हेतु महा, इसमें हेतु क्या है, मतलब जन्म हुआ ही नहीं, ये जो आप कहते हैं हेतु क्या है कि समतम तत्व किंतु निर्विशेष निरवय निर्विकार तत्व, यदि उसमें कोई अवयव होता जिसमें गुण होता तो वहाँ बनना घटना इस पर होना संभव होता, परंतु उसमें ये सब कुछ है ही नहीं, परंतु हमेशा एक रूप है, समता हमेशा एक रूप रहने वाला, इसको समझाने के लिए बोलते हैं इस विषय में हेतु क्या है, जन्म हुआ ही नहीं कारण क्या है, वो हमेशा समभाव में रहते हमेशा एक रूप में रहते समता में। अब जो है जन्म राहित्यम साधयति, जन्म होना संभव नहीं है उसको सिद्ध करके दिखाते हैं, जथा न जायते किंचित जायमान समन्वित, प्रतीति के नाम रूप अनेक प्रकार के नाम रूप की प्रतीति होने पर भी परमात्मा की इसको उत्पत्ति होना संभव है, क्यों, क्योंकि वो निर्गुण निराकार निर्विशेष में परिणाम होना संभव नहीं है, इसलिए यदि आपको दिखाई पड़ता है वो विवर्त रूप में दिखाई पड़ता है, मतलब अपने में किसी प्रकार के परिवर्तन नहीं करते हुए भिन्न रूप में दिखाई दे रहे इसको विवर्त रूप। अब जो है वो अतः वक्षामि अकार्पण्यम, मूल में पहला शब्द क्या अत, टीकाकार बोलते हैं अत शब्दार्थम अहम, अत शब्द का अर्थ भगवान भाष्यकार बोलते हैं, अब आइए भाष्य में सबाह्य अभ्यंतरम अजम आत्मानं प्रतिपत्तु अशक्नुवत् अविद्या दीनम आत्मानं मन्न मानो जातो अहम जाते ब्रह्मणे वर्ते तत् उपासनाश्रित सन् ब्रह्म प्रतिपत्ये इति एवं प्रतिपन्न कृपाणो भवति यस्मात् अतः, इसको पहला श्लोक में जो बोल कर आया उसके तहत अब भी देखिए शब्द प्रयोग श्रुति शब्द प्रयोग करते भगवान भाषा
अप्राण ही अमाना शुद्ध बाह्य अभ्यंतर अति अप्राण ही अमाना शुद्ध सर्वज्ञ सर्वव्यापी ज्ञानमय स बाह्य अभ्यंतरम अजम और अंदर बाहर जन्म रहित तत्व पूर्ण रूप से विद्यमान है। इस प्रकार आत्मा को समझने में असमर्थ व्यक्ति आत्मारम प्रतिपत्तम अशक्नुवन आत्मा को समझने में असमर्थ व्यक्ति अविद्या अज्ञान से दीन आत्मानम मन्दमान अपने को हीन मानते हुए मनीषया सोचते मूल्यमान अपने ईश्वर भाव को नहीं समर्पण शोक करता रहता है। दीन आत्मानम मन्दमान अपने को दीन मानते हुए हीन मानते हुए जा तो हाँ मैं तो पैदा हुआ हूँ और इस जात ब्रह्म में विद्यमान हूँ इस विकारी ब्रह्म में बढ़ते जाते ब्रह्म ही बढ़ते विकारी ब्रह्म में मैं विद्यमान है तब उपासना सीत सन उस ब्रह्म की उपासना करके ब्रह्म प्रतिपद से भी जन्म इस ब्रह्म भाग्य में प्राप्त कर जाऊँगा। पहले श्लोक ने कहा इति एवं प्रतिबंध इस प्रकार आत्मे को समझने वाला व्यक्ति मानने वाला व्यक्ति कृपण भवती वो कृपण होता है ऐसा क्योंकि पहले श्लोक क्योंकि स्थिति ऐसे अत जस्मा क्योंकि वो कृपण ऐसा कहा जाता है तत्ववेत्ता पुरुष वगैरह इसलिए अत वक्षामि अकर्मण्य इसलिए अकृपणता क्या है अथवा अकृपणता के भाग और क्या वो मैं कहूँगा अकृपण भाव अजम अकृपण के भाग क्या है जन्म रहित ब्रह्म जन्म नहीं ब्रह्म किसी के वो मैं कहूँगा। तो यहाँ पे एक तीन नंबर की पॉइंट भी देखना है प्रतिपन्न मतलब ब्रह्म प्रतिपस्थिति एवं इस प्रकार समझने वाला कि मैं तो आर्य ब्रह्म ही हूँ और आर्य ब्रह्म आपको मैं उपासना करके प्राप्त करूंगा इस प्रकार समझने वाला व्यक्ति को कृपन मानी प्रतिपन्न मतलब अधिकारी विशेष है इस प्रकार अधिकारी इस प्रकार साधु आत्मा को मानते हैं उसको कृपन माना जाता है। आत्मन्य मतलब कृपणता की जो भाव से बोलते हैं अकृपण भाव अकात्मन अजम ब्रह्म कृपणता की उपस्थिति है। यहाँ पे देखिए टीकाकार बोलते हैं प्रतिज्ञा भावम विभाजते क्या प्रतिज्ञा किए वहाँ पे अकार्पण्यम बक्षामी ठीक है ना जो प्रतिज्ञा किए ना मैंने मान लो जाए अकार्पण्यम बक्षामी के लिए प्रतिज्ञा भावम विभाजते अकृपण भावम अजम ब्रह्म उसके यहाँ पे गए। अब बोलते हैं भस्म में आने तद ही काल्पन्य आस्पदम वही कृपणता की आधार है तत् ही निश्चित ही वो कृपणता की आधार है काल्पन्य आस्पदम यत्र अन्न अन्न पश्यति अन्न तन्न शृणोति अन्न तन्न विजानाति तद् अल्पम मर्त्यम असत् एक यहाँ हो जाएगा है ना। आगे क्या बोलते हैं जिस स्थिति में अज्ञान स्थिति में इस अज्ञान स्थिति में एक दूसरे को देखता है एक दूसरे को सुनता है एक दूसरे से बोलता है एक दूसरे को जानता है तद् अल्पम कोई जो है अल्प है वो परिच्छिन्न है वो मरणशील होता है अल्प इतना मरणशील है असत है। हाँ ये जो अर्ण पशुति ये हम लोग अपने हृदय पाया हुआ है तो हृदय पाया हुआ जब तो अर्ण अर्ण पशु वेदन मैत्री भ्रम होगा मरण इसमें तो मैं ये नहीं किया पूरा नहीं उसके होगा हूँ देखना को लगता है हृदय नहीं हो अथवा हुआ भी कम हो सकता अविद्या कार्य प्रपंच की अर्थ जिस अवस्था में से साधक में इस अन्न अन्न पश्यति एक दूसरे को देखते हैं अविद्या कार्य में बोलते हैं जानते हैं तद अल्प मरणशील है असत के पारमार्थिक ये एक हो गया। दूसरा क्या हो गया वाचारम मनम विकारो नाम वाणी के द्वारा अभिव्यक्त होता है जो वस्तु वो विकारी वस्तु है और नाम मात्र है पारमार्थिक नहीं है ये चांद उसे तो जानते ये जटल जाता उस प्रकार स्तुति से ये हो गया कृपणता तद विपरीतम सबाभ्यंतरम अयम अकार भूमाक्यम प्रभे इसलिए तक उसका विपरीत वही जो है सब बाह्य अभ्यंतरों अंदर बाहर सब एक ही तत्व है अंदर बाहर और प्रकृति ने अजम जन्महीन स्थित है यही वजह अकार्पण्यम मतलब अक्षुपणता जिसको भूमा नाम से कहा जाता है। अंतिम की तरफ देखिए लास्ट भूमा भी लास्ट कांड में देखिए चतुर्थ खंड
छांदोग्योपनिषद 24वां अंदर 24वां खंड के पहला मंत्र है और आचार्य मन विकार नाम ध्येय की छांदोग्योपनिषद षष्ठ अध्याय की द्वितीय खंड पहले क्या है हां भाई यही तो यही हम वेदांत के लिए प्लान का है ये 61 ये वेदांत की बार बार आधा का आदेश नहीं दी रही आचार्य मन विकार अजत नान पर यही शब्द उसके को बोल रहा था इत्यादि श्रुति एक की वेदांत पढ़ना इसलिए आसान है आप एक उपनिषद को ठीक से अगर पढ़ लोगे तो देखना यही शब्द घूम घाम के आ रहा है इसलिए समझते आप उसके बाद एक ही वस्तु को तो बोल रहे हैं अलग अलग वस्तु को ये बोलने के लिए तो अलग अलग शब्द तो बोलते एक ही वस्तु को कितना शब्द बोलेगा उसी को बोलेगा तब विपरीतम इसका भिन्न जो है सब बाह्य अभ्यंतर और जब वो जो है अंदर बाहर से पूर्ण व्याप्त किया हुआ है वो जन्म से रहित है यही जो है अकारपण है अकृपण का ही भाव है किसी को भूमा नाम से कहा जाता है भूमा आख्यम ब्रह्म भूमा नाम को बन गई है भूमा शब्द का भूमा शब्द का विपु बहु लोके जो भू सूत्र बना है बहुता की इसमें स्थान में भू का आदेश हो गया वहाँ पे मतलब तो फिर मतलब निरतिशय व्यापकता को बोलते हैं जिसको अतिक्रमण करके और बड़ा चीज कुछ नहीं हो सकता उसी को भूमा शब्द कहते हैं वहाँ पे तो भू विषय है वहाँ पे भू भू स्व वो तो आपका तीन लोगों के लोग को लेकर यहाँ पे ऐसा ही थी विषय भी लगा हुआ भेद देखना उसका निवृत्ति हो जाता है जब प्राप्त अविद्या कृत सर्व कार्पण्य निवृत्ति जिसको प्राप्त करके अविद्या कृत समस्त कृपणता की निवृत्ति हो जाता है तब अकार्पण न उस अकृपणता की जो भाव है वक्षाम उसको मैं कहता हूँ तब क्या है तत्शब्द से लेना है अजाति मतलब जो जन्म होना संभव ही नहीं अविद्यमाना जाति अस्य ब्रह्म में सृष्टि होना संभव उत्पत्ति होना संभव ही नहीं उसको बोलते हैं अजाति मतलब अविद्यमाना जाति अस्य भी समझ लेना है ना मतलब जिसमें उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है समतां गतम मतलब सर्व शांति गतम हर प्रकार की समता के भाव को प्राप्त किया है समतां गतम मूल में है शब्द इसका अर्थ क्या करते हैं सर्वसाम्यम गतम सभी के प्रति समान भाव को रखते हैं तीन नंबर की उत्पन्न में देखिए कहने तो सर्वसाम्यम गतम मतलब निर्धर्म गतम गतम है ना निर्धर्म है कोई विशेष विशेष राहित्व ही इसकी विशेषता है क्या विशेषता है हर विशेष की राहित्व ही इसकी विशेषता है यदि आप पूछेंगे ब्रह्म कैसे जानेंगे बस विशेष से रहित है यही उसकी विशेषता है हर विशेष समभाव अच्छा अकस्मात ऐसा क्यों बोलते हैं अरे भाई विशेषता कहाँ पे दिखाई देती है यदि वहाँ पे कोई भूल होता है कोई अवयव होता है सब मतलब ये सगुण वस्तु होता है सावयव वस्तु होता है तब तो वहाँ पे कोई विशेषता आ सकता है कम जो ही अवयव वस्तु है वो निर्गुण है वहाँ कहाँ से आएगा अवयव वैषम्य अभाव अकस्मात क्योंकि वहाँ पे अवयव नहीं है तो विषमता की बात कहाँ पे आएगा हमेशा एक रूप में अवयव में विकार होते हैं अवयव छोटा बढ़ना घटना ये सब होते हैं जैसे आपका शरीर में किसी एक अंत में कुछ हुआ तो हम उस अवयव विकार गया तो हमारे स्वभाव संदूषित हो गए अवयव वैषम्य अभाव अवयव की विषमता के अभाव होने के कारण समझा इसलिए विषम्रो का तो समझा विषम्रो का तो अवयव क्योंकि वहाँ पे कोई विकार नहीं है समझा हमेशा समरूप है क्यों क्योंकि वहाँ पे विषमता की अभाव है तब विषमता कहाँ पे होते जब ही सा अवयव वस्तु तत् अवयव ही वैषम्यम गच्छत जायते इति उच्यते जो सावयव वस्तु
जो सावय यदि सावय सा अवयव वस्तु तब वो वस्तु अवयव ही अवयव के द्वारा विषमता की भाव को वैषम्यम विषमता की भाव को गच्छ प्राप्त करते हुए जायते जिस प्रकार को देखो भाई मेरा हाथ कट गया हाथ में घाव पैदा हो अवयव में कोई विषमता पैदा हुई तो हाथ घाव पैदा शब्द प्रयोग उस वहाँ पे वहाँ तक ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं जब ही सा अवयव वस्तु जब ही सा अवयव वस्तु तब अवयव ही वो अवयव के द्वारा वैषम्यम मतलब विषमता की भाव को वक्ष प्राप्त करते हुए जायते यदि उच्चते पैदा हुआ इस प्रकार से कहा जाता है नाम भी कहता चार नंबर की पुण्य है ना वैषम्य पर वैषम्य मतलब उपचय अपचय मतलब वर्णा घटना रूप में विषमता को प्राप्त अवयव की वर्णा घटना के रूप में पैदा हुआ नाश हुआ इस प्रकार कहा जाता है इदं तु ब्रह्म निरवयवत्वा समतांगतम इति न कश्चित् अवयवे स्फुटति अरे ये जो ब्रह्म है ना ये हमेशा निर्विशेष है अवयव रहित है समतांगतम पहला अर्थ क्या करते हैं निर्विशेषता प्राप्त निर्विशेष भाव को प्राप्त किया न कश्चित् अवयव किसी भी अवयव के द्वारा स्फुटित नहीं होता पांच नंबर की मतलब अभिव्यक्त यदि अवयव के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं होता कल्पित उपाधि के माध्यम से समझ में आता है अजाति इसलिए को होना संभव नहीं है इसको समझना ही अकारमान्य जायते किंचित जायमान समन्तत समन्तत शब्द अर्थ कर रहे समन्तत समन्तात मतलब चारों तरफ से ऑल राउंड समन्तात जथा ना जायते किंचित अल्पम अपि जाए कितना भी बड़े बड़े वस्तु दिखाई दे परंतु इस रस्सी के एक कोने मैं समन्तत समन्तत जथा ना जायते किंचित अल्पम मतलब कोई ये कहे कि रज्जु की एक अंश में थोड़ा सर्पट उत्पत्ति होगा बाकी तो कल्पना है ऐसा माने भी आपके लिए सबको पूरा ही पूरा कल्पित है कि जथा ना जायते अल्पम अपि न स्फुटति यहाँ तक के बाद देखिए कि अतो अजाति अकर्मण्यम समन्तत समन्तत जथा न जायते किंचित अल्पमपि न स्फुटति ये दोबारा आ रहा है पढ़ना है वहाँ पे ले आऊँगा जैसे ऊपर से आ रहा है ठीक उसका नीचे देखिए यहाँ से यहाँ तक वो आपको जैसा अनुकूल है काटिए उस नाम की फर्क नहीं पड़ता हमारे कोई भी अभी है ठीक है तो हमने जैसे जहाँ से पढ़ रहे हैं क्योंकि उस लाइन को पढ़ने के बाद जब द्वितीय बार उसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि दोबारा लिखा गया इसलिए पहले वो रहने को जब जो बात में दोबारा कुछ उतार दो जब तक द्वितीय को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ नहीं मिलेगी कि दोबारा लिखा गया है जब आपने पहले हमने पढ़ लिया है ना स्फुटति अत अजाति अकर्पण समन्तत समन्तत यथा न जायते किंचित अल्पमपि न स्फुटति ठीक इसके बाद देखिए अतो उपस ऐसा लिखा अतो अजाति अकर्पण फिर पूर्णतः समन्तत समन्तत यथा न जायते किंचित अल्पमपि न स्फुटति समझा ना जैसे ऊपर लिखा है ऐसे लिखा इसलिए सेकेंड आपको जो अच्छा लगे उसको आप अंडी का अंदर लेने से काट दीजिए कि दोबारा लिख दीजिए इसको अब दृष्टांत दे रहा है दृष्टांत क्या देंगे रज्जु के एक हिस्सा में थोड़ा सा सर्प उत्पन्न हो गया बाकी रज्जु तो रज्जु है ऐसा कोई मानेगा ऐसा नहीं मानते हैं इसी प्रकार रज्जु सर्पवत रज्जु में दिखाई दे रहा सर्प की वहाँ पर उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है अविद्या कृत दृष्टा वो अविद्या के द्वारा दिखाई देने वाली दृष्टि से जायमान व पैदा हुआ जैसा ये न प्रकार जैसा दिखाई दे न जायते सर्वत मतलब उत्पत्ति नहीं होते हुए भी जैसा दिखाई दे ये भी हमको समझना मतलब उत्पत्ति नहीं होते हुए भी उसको जो प्रतीति होते यही जो है हमारा हेतु क्या है अकार बक्षा ये प्रतीति आगे देंगे उसके दृष्टा उसको आगे समझेंगे आत्मा ही अगला श्लोक में देंगे अगला श्लोक में देखिए अब देखिए उसको आगे देखिए आपको समझ में आ गया कि ये टीका का लिखा प्रतिज्ञा वाक्य ब्रह्म शब्द ने परमात्मा पर प्रतिशत कृत्य की जो अपेक्षाएं आप कुछ को समझाएंगे यहाँ पर जो है दृष्टांत के माध्यम से समझाएंगे बिल्कुल दृष्टांत अगला श्लोक में देखिए
क्या बोलते हैं कि विदांतुनि अव्यवस्था क्षमतां गतं विदिना कैश्चित् अव्यये स्फुटति अत्र अजाति अकारणम् समन्त प्रचार विश्वदर्शना जायते किञ्चित् अल्पमपि न स्फुटति लघु सर्ववत्। यहाँ पे आ जाना है क्यों, क्योंकि अविद्या के दृष्टि का अविद्या विष्णु से दिखाई देने के कारण जायमन वो पैदा हुआ जैसा जिन प्रकार ना जाए थे विद्या दृष्टि से उसको वहाँ पे पैदा होना संभव ही नहीं है। सर्वत अजब के ब्रह्म भगति जैसे जैसे समझ जैसे आपको निश्चय हो जाए जन्म नहीं कि ब्रह्म है तत्प्रकारम तथा तत्प्रकारम सुनो वो मैं तुझे बताऊंगा वो सुनो तत्प्रकारम सुनो उस प्रकार को सुनो। अब यहाँ पे भी टिप्पणी दिखा करें शैशम अविद्या इत्यादि अविद्या जनितया भ्रांति रूपया इति अर्थ अविद्या से पैदा हुआ भ्रांति से दिखाई दे रहा है भ्रांति रूपया इति अर्थ जायमानम सात नंबर जायमान से जहाँ तक उपलब्ध मानम आपको पैदा है वहाँ पे विद्यमान है जैसे सही लगेगा जब तक अधिष्ठान की ज्ञान का नहीं तो आपको सत्व यहाँ पर नहीं जाता वहाँ जायमानम जाय ना। इसी प्रकार हमको अभी अज्ञान दशम जगत सत्य है हमारा सारा अर्थ रखा निमित्त है जिससे इसलिए सत्य ही मान लेते हैं परंतु जब तक शास्त्र दृष्टि नहीं खुलती तब तक ही नहीं इसलिए अविद्या की दृष्टा जायमान अविद्या की दृष्टि से पैदा हुआ जैसे मतलब उपलब्धि होते हैं जैसे जिन प्रकार में न जाए सर्वे परंतु जिसको जानने पर यह पैदा हुआ ही नहीं किसी प्रकार से वो ना जाते अजन एवं ब्रह्मवादी ब्रह्म जन्म नहीं किया ये निश्चय है तथा उस विषय को उस प्रकार कथम तत्प्रकार तथा न जायते किंचित जायमान समन्तर के बीच में आपको तथा पर अध्ययन करना पड़ेगा उस प्रकार को मैं तुमको बताऊँ तथा तम प्रकार श्रेण उस प्रकार को हमसे अच्छी तरह से सुन लगी। अब देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं कि प्रतिज्ञा भागम विभाजन अभागम भागम आदि तदेव व्यतिरेक मुखेन स्फोरयति उसी को जो है जो पते तदेव मतलब छह नंबर टिप्पणी में अजम ब्रह्म एव ब्रह्म जन्म मृत्यु से रहित है वह विकारी तत्व है इसी को जो है व्यतिरेक मुख से ना तो ब्रह्म से भिन्न तत्व को दिखाई पड़ते उस दृष्टांत को समझाते हैं तत् ही कार्पण्य आस्पदम वो कृपणा का भी आधार है वो जहाँ पे भेद दृष्टि है दर्शनादि विशेष व्यवहार गोचरी भूतम कार्य जातम परिच्छिन्नम नाशी च उच्यते ये कल्पिपणता है। दर्शनादि विषय व्यवहार गोचरी भूतम दर्शन श्रवण मनन कर्म ये सब इसकी जो विशेषता दिखाई पड़ता है उस विशेष व्यवहार की विषय विशेष व्यवहार की विषय रूप में जो दिखाई पड़ता है दर्शनादि विशेष व्यवहार गोचरी भूतम कार्य जाते भी कार्य परिच्छिन्न है वो नाशवान है नाश मतलब नाशवान परिच्छिन्न नाशी से उच्चत ऐसा कहा जाता है। सात नंबर त्रिपन्न में वाक्त वृत्ति व्यवच्छिन्न जो वहाँ पे जो तत्व नान पश्यत उसमें से जो अर्थ आता है उसके यहाँ पे अलग करके दिखाया दक्षिणा भी विजय तदेव कृपणत्व आलम्बन किस प्रकार भेद दृष्टि जो है कृपणता की आधार है इस प्रकार की भेद दृष्टि जो है कृपणता के पीछे कारण है तदेव कृपणत्व आलम्बन इसका भी तच्छ मिथ्या उत्तर ये जो मिथ्य ये कहाँ से आपने निश्चित कर सकते हैं तो श्रुति बोलती है आचार्य मनन जो माने के द्वारा बोला जाता है व्यवहार किया जाए तो मिथ्या उसके होता है तच्छ मिथ्या उत्तर मिथ्य प्रमाण ना इस विषय में प्रमाण को कहते हैं आचार्य मनन मिथ्या कार्पण्यम उत्वा तब अभाव रूप अकार्पण्यम प्रकट कृपणता क्या है भेद दृष्टि जन्म हुआ मरा ये सब इत्यादि कृपणता है इसका विपरीत क्या है जन्म मृत्यु से रहित भेद रहित एक ही तत्व परमात्मा से है ये रूप भी अकार्पण्य जैसे होते हैं कार्पण्य मुक्ता तद अभाव रूपम तद आठ नंबर टिप्पण में तद अभाव उपलक्षितम उस अभाव के द्वारा उपलक्षित होता है जो स्थिति की पुस्तक दिखाई नहीं जाता सीधा उस अभाव के द्वारा उपलक्षित होता है जो स्थिति उस अभाव की प्रणाता उस ज्ञान के कहने का एक तद विपरीतम स्वाह्य भयंकर कार्पण्य भूमांकम ब्रह्म प्राप्ति प्राप्त शब्द आया हुआ भाष्य में जब प्राप्त उसका अर्थ कहते हैं प्राप्त मतलब ज्ञाता ही जागर प्राप्ति मतलब वो समझना ही प्राप्ति है उसकी कोई अलग प्राप्ति नहीं है
फिर उस श्लोक में आई हुई जो द्वितीय पाद अजातिम शमतांगत द्वितीय पादम व्यतस्ते उसके बोलते हैं यहाँ पे तद अजाति मतलब अवित्र मानव जाति अस्य जिसमें जन्म होना संभव ही नहीं है। सर्वात्मना साम्यम निर्विशेषत्वम गतम हर प्रकार से जो निर्विशेषता के भाव को प्राप्त हो गया है क्योंकि अत्र हेतुं पृच्छते कैसे कैसे अकस्मात् बोलते अकस्मात् क्योंकि अवयव वैषम्य अभावात् अवयव से विषमता आती है यहाँ तो अवयव है नहीं नहीं अवयव फला रहित होने के कारण क्रिया रहित होने के कारण यहाँ पे कभी विषमता की भावना संभव नहीं है। निर्विशेषत्व हेतु मानो तो निर्विशेष क्यों है क्योंकि अवयव वैषम्य अभाव अवयव की विषमता नहीं आना हेतु एवं प्रकटय हेतु को स्पष्ट करते हुए व्यतिरेक रूपेण अव्यक्तम प्रपंच व्यतिरेक से अव्यक्त भाव क्या है उसको विस्तार से कहते हैं। जब हिंसा अवयव वस्तु तब व्यतिरेक दृष्टान्त ब्रह्म निरवयव है और सवयव वस्तु को दृष्टान्त रूप में कैसे होते हैं व्यतिरेक दृष्टान्त जब हिंसा अवयव वस्तु तब अवयव वैषम्य गच्छ जायते इति उच्यते हिंसा अवयव वस्तु है अवयव में विषमता को प्राप्त करके वो जन्म लिया ऐसा कहा जाता है। समन्तते इति पूर्णत्व संकीर्तन समन्त चार तरफ से पूर्णत्व तथा च टिप्पणी तथा च पर अभ्युत परमाणु परीक्षित इति भगवत परमाणु से उत्पन्न हुआ एक वस्तु जो परमाणु अनुपरमाणु ये जो बोलते हैं ना ऐसा वेदांत के वेदांत में ब्रह्म नहीं है ब्रह्म सर्वथा एक होमोजीनियस है वहाँ पे कोई अंतर मॉलिक्यूल इंटर मॉलिक्यूल स्पेस कुछ भी नहीं है समन्तरते इति पूर्णत्व संकीर्तनम् द्वितीयार्थम् व्याचष्टे उसका सेकंड हाफ क्या है यथा न जायते किंचित् जायमानः समन्तरते उसको व्याख्या करते हैं क्या बोलते हैं यथा न जायते किंचित् अल्पमपि नश्यति समन्तरते वा यथा न जायते किंचित् अल्पमपि नश्यति थोड़ा सा भी वहाँ पे कोई भी स्फुरण नहीं होता जिस प्रकार रज्जु में सर्प भ्रांति से उत्पन्न होता है तथा सर्व भ्रांति दृष्टा जायमान ये सारा भी जगत जगत दिखाई दे रहा है अज्ञान की भ्रांति दृष्टि से पैदा हुआ जैसे प्रतिथि वही पर भाषमान अभी प्रतिथि होते हुए भी जाता जिस प्रकार यथा न जायते किंचित मतलब यथा एक प्रकार वस्तु तो न जायते जिस प्रकार से इसका पैदा होना भी संभव नहीं है किंतु सर्वत्र देशतः कालतः वस्तुतश्च देश रूप से काल रूप से वस्तु रूप से पूर्ण कूटस्थ में वस्तु है ना ये पूर्ण कूटस्थ दृष्टि विद्यमान है तथा तम प्रकार कक्षा में आज कौन सा वाला होगा द्वितीय पहले वाला होगा सेकंड वाला यत् प्रज्ञां वैशाखवेदक्षुभितजलनिधे वेदनाम्नां तदस्थं भूतान्यालोक्यमानान्यभिरगविरक्तजनक्राहोरे समुद्रे गुरु पूर्णिमा का ब्रह्म
तेरा गुरु प्रतिमा और चौदह गुरु प्रतिपा है तो पंद्रह शुरू कर।